हमेशा की तरह वी आर लेट सो टू लेट इट्स 4:15 वी हैव आवर बस Hi everyone, this is my first vlog. So I have planned a trip to Rishikesh because meri behen aur meri friend ka birthday hai. So we are going to celebrate it there. हमने दिल्ली से ऋषिकेश के लिए स्लीपर बसेस बुक की थी जो 4:15 पे हमारा बोर्डिंग टाइम था एंड 4 o'clock वी लेफ्ट फ्रॉम आ होम उबर आई ने इट डिस्ड अस सो अभी हमने ऑटो लेके वी आर गोइंग टू द स्टेशन जहाँ पे हमने बोर्ड करनी है बस हाँ अब चला दी है ना सब दिख नहीं रहे हो इट इज तुम ऐसे भी काले हो और तुम जो लाइट ऑन फिर दिखेंगे खूब वो ज्यादा लाइट ऑन है सुबह उठते ही जूते देख रहे इसके जूते इतने इंपॉर्टेंट है बॉस मेरा घर जाएंगे इस 4 बजे का ख्याल है आलस एक ऐसा सुख है इसका परिणाम सिर्फ दुख है ठीक है अभी से पूरा दिन करना आलस कितना लगता है अच्छी बात है हमने 3 दिन का प्लान किया था ट्रिप 11th को हम गए थे तब वाटर लेवल बहुत कम था बट ऑन 14th जब हमने वापस आना था तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया था मोस्टली बसेस आपको नेपाली फार्म उतार देती है बिकॉज़ वो देहरादून के लिए जाती है तो नेपाली फार्म से ऋषिकेश का स्ट्रेच ऑलमोस्ट 18 to 19 किलोमीटर्स का है जो अप्रॉक्स 45 मिनट्स तो लेते हैं ऋषिकेश पहुँचने के लिए बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक तो ये ऑटो जो शेयरिंग में जाते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं ऋषिकेश तक छोड़ने के लिए लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक बिकॉज इट इज नेसेसरी स्टे हाइड्रेटेड गाइस हमारा फर्स्ट डे का स्टे तपोवन में था जो ऋषिकेश से 3-4 किलोमीटर और आगे है दिस इज अ स्टे फॉर टुडे इट इज अ हॉस्टल Mustache. I booked this because इसमें एक पूल है मुझे पर्सनली ये हॉस्टल बहुत पसंद आया हमने ये 4 लोगों के लिए बुक किया था हमने बंक बेड्स बुक किए जो 900 पर बेड हमें पड़ा था हम मोस्टली हॉस्टल्स प्रेफर करते हैं बिकॉज आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो हॉस्टल्स में सोलो ट्रिप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है हॉस्टल यू कैन इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स हमारा रूम 4th फ्लोर पे था जहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर था Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. I know that you're coming back home. Second floor is very exciting. वहाँ पे pool है, we have a spa, restaurant, everything. These are our beds. 1, 2. हम 4 लोग हैं, so 1, 2, 3, and 4. We'll be sharing our beds with 4 more people. They're not here right now. ये हॉस्टल का 2nd फ्लोर था जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट थी और रेस्टोरेंट भी यहीं था पूल भी यहीं था एंड एवरीथिंग बंदा सूंघ ना लेकिन जूस गिरा हुआ है
काम पर आए, ये क्या काम पर है, और एक यहाँ पे सिर्फ पाँव डाल के बैठी है, पीछे बीमार है। तू भी आ जा। सो वाइल वी वर चिलिंग, एक आंटी हमें बहुत ज़्यादा जज कर रही थी। आंटी बोल रही है इन नंगी लड़कियों को देखो, देखो इनको आंटी, आंटी बड़ा दिखा, आंटी आई क्या, आंटी की बहू बसिन तीनों में से एक होगी। आंटी कह रही ये मेरी बहू होगी, ऐसी 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 लड़कियाँ इस हिसाब से मैं तो कितनी बिगड़ी हुई लड़की हूँ, ये सबसे बिगड़ी हुई, इस दिन लोगों को बिगाड़ेगा, ये लड़कियाँ मेरे बेटे को बिगाड़ेंगी। थ्री हो रहे हैं और मतलब सब कुछ बंद हो गया है, सिर्फ थोड़े गिने चुने कैफेज ही खुले होंगे। सो मोस्टली जैसे आई एम फ्रॉम शिमला, वहाँ पे भी सब बंद हो जाता है टाइम से, यहाँ पे भी ऐसा ही है, मोस्टली हिल स्टेशंस में ऐसा ही होता है। माय फ्रेंड्स एक तो मेरी सिस्टर है, एक मेरी फ्रेंड है, दे आर इनसाइड, तो वो पेस्ट्री ले रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे बर्थडे मनाने आए थे। सो मैं पहले भी ऋषिकेश रही हूँ कुछ टाइम, एक साल ऑलमोस्ट, तो हम जब भी डिनर करने आते थे हम मोस्टली यहीं पे प्रेफर करते थे निर्वाणा में, कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इफ़ यू गेट टाइम आई वुड रियली रिकमेंड कि आप एक बार बिस्ट्रो निर्वाणा जाके वहाँ पे डाइन इन करो। सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है वहाँ की, आप बाहर भी बैठ सकते हो अंदर भी बैठ सकते हो, हम मोस्टली अंदर प्रेफर करते हैं बिकॉज़ बहुत कोजी एनवायरनमेंट होता है, यू कैन सिट रिलैक्स, यहाँ अंदर आराम से बैठ के आप डिनर कर सकते हो। आने दे, ये कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी और ये कह रहे हैं आने दे, और दो का ले लो उस बाद में इसलिए एक डाल दो। इस डिश का क्या नाम है? इट लुक्स टेस्टी, अच्छी ही होगी, हमारे यहाँ पे वैसे अच्छा ही होता है। जी भूख लगी है तो सब अच्छा लगता है। इसमें आप हर्ब्स डाल देना, दैट इज वेरी हेल्दी। ओके। व्हाइट सॉस पास्ता उसके ऊपर हर्ब्स, तो वो हेल्दी बना देगा। इससे रुका नहीं आ रहा गंदी से। चल यार टेस्टी व्यू। बस उस चीज के लाते थे हम पहले यहाँ पे, मानते हो कितना मजा आता है, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था शूट कराने, बहुत मजा आता है। टेस्टी भी लेंगे, मैंने तो बोला है ये दोबारा लेंगे ना, क्या पता शायद तो हमेशा अच्छा लगता है। बाबू लोग कहते हैं बहुत टेस्टी। हेलो एवरीवन, अभी रात के 1 बज रहे हैं, हम रेस्टोरेंट गए थे डिनर किया, फिर हमें आते आते टाइम लग गया, चाय वॉज इम्पॉर्टेंट एट नाइट। सो अभी वी आर बैक इन द हॉस्टल, सो अभी राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू स्लीप, मतलब रील्स कॉल करते करते लाइक 2 बजे तक तो नींद आ जाएगी, एंड देन टमोरो वी आर गोइंग टू अ वेरी गुड प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एक डोम है, तो हम वी आर प्लानिंग टू हायर स्कूटीज और खुद जाएँ राइड करके। So, I'll see you there tomorrow. Good night. Happy birthday, Jatin. अभी एक लड़का बालिग हो गया है। ट्वेंटी ईयर्स जतिन जाओ।
रिस्पेक्ट चल रही है क्या कह रहा नहीं यार मेरे को मत खिलाओ ये विश मांग आंख बंद करके मांग भाई मेरे हाथ में रिलैक्स कर रही है विश मांग फिर बुझाइए जल के ऐसे पकड़ के रखो कैरी है नहीं बुझाता है रात भर ऐसे पकड़ रात भर उस बंदी को स्कूटी ने मार दिया दिखाइए शो मी बेबी काहे इस बात जो में लगी नहीं है बहन पहले बंदी शॉपिंग करने गई तो उसका पर वो चोरी कर दिया किसी ने लिफाफा अगले दिन इसको ऐसे कर दिया बहुत बड़ा गाइस हमने चार बैठ के पैसे दिए और चार के और हमने चार बैठ के पैसे दिए हमने आठ बैठ के उसमें हमने अपने सारे कपड़े सुखा दिए और इनके इधर हम इतने ओवर अचीवर है हमने बैग तक धो दिया है कुछ सुख है ना सुख है ये जरूर सुख है ज्ञान ज्ञान मुझे मेरे को पता ही बैग पड़ा है ज्ञान 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 इस ज्ञान नहीं आता है नीचे लिखा था इफ समबडी डोंट लीव द लाइट्स ऑन इफ समबडी टर्न्स यू ऑन देन लीव्स यू हाउ डू यू फील सो सेम इलेक्ट्रिसिटी सेम इज विद इलेक्ट्रिसिटी